हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या सीन है? मेरी बाइक का नंबर नाम लेके बोल, मतलब मेरी बाइक का नंबर लेके मेरे को कॉल किया कि आपको आरटीओ ऑफिस बुलाया है, ऐसा वैसा। अब पता नहीं भाई क्या ही सीन होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है ब्रो मेरे को। आपका हेलमेट कौन सा है सर? ये नहीं, कुछ इस पे आपने लगाया हुआ कवर वाला है, खोल दिया खुद तो नहीं लगाता सर। आपकी फोटो आ रही है यार साथ, ये बनी हेलमेट नहीं पहन सकते ना? बनी हेलमेट मत पहन, बिकॉज़ ऐसा है ना, तुम्हारे सेफ्टी को भी एक नुकसान है, दूसरों को भी है, बिकॉज़ आप किसी को अट्रैक्ट करते रहो ना। हां जी, कोई बंदा डर ही जाएगा मेरे जैसा कि भाई क्या होगा, अचानक मूड हो गया, कुछ हो गया है ना, जो कॉपी पैदा होती है उसकी वजह से सबको, हमारे को भी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है आज। वही तो, बंदों ने नाम लिया हुआ है भाई, ये थे, ये मेन जिन्होंने इधर नाम हमें पता है किसने लिया, हमारे को पता है नाम किसी ने लिया है, बाकी कोई सीन नहीं, किसी को कोई हेट नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जाके ना, तो भाई कि ऐसा सीन है कि मेरे को आरटीओ ऑफिस से कॉल आया एंड उन्होंने बोला कि आरटीओ ऑफिस आओ जल्दी, कुछ पता नहीं क्या सीन है। मेरी बाइक का नंबर लेके मेरे को कॉल किया कि आपको आरटीओ ऑफिस बुलाया है, ऐसा वैसा। अब पता नहीं भाई क्या सीन होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है ब्रो मेरे को। आगे से साथ में भाई, ले जा रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी सर, पहुँच गया मैं सर आरटीओ ऑफिस। कहाँ से आना है? किस चीज़ की रिगार्डिंग है? पता नहीं सर, मेरे को कॉल आया था, आरटीओ ऑफिस बुलाया है बस। ठीक है सर, आप कहाँ हैं अभी सर? आरटीओ ऑफिस के बाहर है सर, गेट से अंदर आके सेकंड रूम जाना है। ठीक ठीक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं सर, ये बनी हेलमेट नहीं पहन सकते ना? बनी हेलमेट मत पहन, बिकॉज़ ऐसा है ना, तुम्हारे सेफ्टी को भी एक नुकसान है, दूसरों को भी है, बिकॉज़ आप किसी को अट्रैक्ट करते रहो ना। हाँ जी, कोई बंदा डर ही जाएगा मेरे जैसा कि भाई क्या होगा, अचानक मूड हो गया, कुछ हो गया, किसी को कोई नुकसान हो जाएगा, देन आप फिर अपने आप को खुद भी माफ नहीं कर पाओगे, मेरे वजह से एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ऐसी आई एम श्योर आपकी ऐसी इंटेंशन कोई नहीं है। नहीं सर, वो नहीं है, नहीं आप तो फन करना चाहते हो ना, फन करना चाहते हो और फन करने का और तरीके हैं, वैसे कर लो। कहाँ बनाओगे तुम ये वीडियो हमारे रोड सेफ्टी के मटेरियल बांटते हुए? जहाँ बोलोगे सर, बोलोगे सर वहाँ बना देंगे। हाँ देखो, यंगस्टर्स के पीछे बढ़ना, कोई कोई बात कॉलेज के पास बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, अपना भी सेफ है ना। हाँ जी, एंड रैश भी चलना क्यों पहाड़ों में, वैसे ये बाइक जो है रिस्की होती है, हाँ जी पत्थर होता है, कुछ होता है, हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो ना, आपका भी ना हो और किसी और का भी नहीं होना। हाँ जी, बी वेरी केयरफुल और ऐसी चीज़ें अवॉइड करो, अवॉइड करो, तो आप लोग यंग हो, बच्चे हो अभी ना, ठीक है, एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी नहीं हो तो फिर यूथ होने का वही सर, वही नीट करते हैं, मैं बांटे भी नहीं होगा तो काम का नहीं। सर हम सब वीडियो बता देंगे आपको, वीडियो बना के बांटूंगा और सबको भेज ठीक है। अब तो सर वही बोल रहा ना, मैंने सबसे पहले ट्रेंड स्टार्ट किया ना, उसके बाद कितनों ने कर दिया गड़बड़। हां जी सर, वो तो अब मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता ना कि सर आप ये करो वो करो, मैं तो अपनी उसके लिए कर रहा हूं। अभी हम आए थे आरटीओ ऑफिस एंड सर ने मेरे को कॉल वगैरह की थी कि बनी हेलमेट रिएक्शन के बारे में, कि इसको शूट मत करना ऐसा वैसा। बाकी यहाँ पर मेरे को कॉपीज दी जा रही है बंटवाने के लिए, इसके राइडिंग के नियम भी बताने हैं, थोड़ा रैश ड्राइविंग नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है सर, ठीक है, और जो भी है अच्छी तरह से करना है, ठीक है सर, लोगों को इसके रोड सेफ्टी के बारे में भी बताना है आप लोगों ने, ठीक है सर, और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हेलमेट पहन के, और दूसरा कोई ऐसा हेलमेट नहीं पहनना, ठीक है, इससे किसी का अट्रैक्शन हो जाए। हाँ जी हाँ जी सर, आप लोगों को ठीक है,
ठीक बिल्कुल आराम से चलाना, कोई स्टंट वगैरह नहीं करना। नहीं नहीं सर, स्टंट तो हम वैसे भी नहीं करते। जागरूक करना है यंग जनरेशन को, जागरूक बिल्कुल सर बिल्कुल, लाइसेंस के बगैर भी नहीं चलना है। हाँ जी हाँ जी, और आराम से चलना है, सब कुछ ऐसा करना है, और ये आपने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक है सर, रोड से ठीक है ठीक है ठीक है। आज इसमें नियम है वो भी है इस बुक में है, और आप इसमें फाइन वगैरह का भी है, आपको सारा पता लगेगा चलेगा, और आप आराम से भी चलाएंगे आप लोग इसको देख के। ठीक है, और ये आप मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलते उसको, मतलब डर के मारे बहुत गंदा सीन हो गया था। मैं कहा यार क्यों ही बुलाया मेरे को आरटीओ ऑफिस, बट सर अच्छे थे वैसे सही में। हाँ सर अच्छे थे, क्योंकि ऐसा ना हमने कोई ज्यादा वो नहीं किया, हम कोई रैश ड्राइविंग कुछ नहीं करते ऐसा। तो सर ने बड़े प्यार से बात करी अंदर, वो मैंने रिकॉर्ड किया बट डालूंगा नहीं, क्योंकि सर के पास चैनल है ऑलरेडी मेरा, तो वो देखेंगे तो भाई और फिर से बोलेंगे मेरे को कि भाई चलो चलते भाई को, भाई कॉपी करते हैं पर ऐसे गलत कॉपी मत करना भाई को। भाई वही तो इसकी बारी आई यहाँ पे आरटीओ में कि भाई आप हेलमेट के ऊपर बनी हो वाला लगा के। अभी ना वो ले रहे थे भाई नाम बंदा में, ये जानता भी नहीं बेचारा फंस गया मेरे को बोल। चलो कोई नहीं, अभी ना वो दूसरा बंदा रहता है अभी तेरे साथ। हाँ लक्ष्य है, पर वो चलते फिर बाकी यहाँ से यार निकलते हैं। और भाई आज का आउटफिट मैं भाई कुर्ता पजामा पहन के आया था, बढ़िया बुलेट लेके आया था। चलो भाई आरटीओ ऑफिस से तो हो गए फ्री। हाँ मॉल ही होने हो, बट सीन ये हुआ ना भाई कि अगर मतलब कहीं हमारे को ज़्यादा मतलब चलान चलून के लिए नहीं बोला, सर सही थे, इन्होंने कॉपरेट किया हमारे साथ भी है ना, जो कॉपी पैदा होती है उसकी वजह से सबको हमारे को भी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है आज। वही तो बंदों ने नाम लिया हुआ है भाई, ये थे ये मेन जिन्होंने इधर नाम हमें पता है किसने लिया, हमारे को पता है नाम किसी ने लिया है, बाकी कोई सीन नहीं, किसी को कोई हेट नहीं है। हाँ तुम मजे करो भाई, हम ऐसे भी तर जाएंगे और वैसे भी तर जाएंगे, हमारे को पता है कैसे क्या करना है कैसे नहीं, तुम अपना देखो बस। हमारे भाई इधर भी करेंगे, शिमला में नहीं करेंगे तो हम कुछ और कर लेंगे। वही वही, पर तुम क्या करोगे ये बताओ, कॉपी करने वाले क्या करेंगे। वही तो चलो।